अगले साल की उम्मीद में एबीपी के शानदार धमाल कार्यक्रम में सब कवियों की ओर से मैं एक नज्म आपके नाम पढ़ रहा हूँ। आखिरश ये वक्त है, वक्त का एक हिस्सा है, इसको शुक्रिया कि इसने जो भी दुख दिए, जो भी कष्ट दिए, लेकिन इन्हीं की परीक्षाओं से ये अगला साल 21 सचमुच में 21 बने। कह रहा हूं कि इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, हम अपने अजीजों को कंधा नहीं दे पाए, कुछ लोग यूं ही विदा हो गए, बहुत तकलीफ। इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हो, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाखे हो, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाखे हो, ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, आप सब भी अपने साथ ऐसा सोचिए। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है। और एक आशा, एक उम्मीद, एक भरोसा एबीपी के इस नए तेवर और नए कलेवर के साथ, इस साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल आंगन में चंदा झांकेगा, तो मुमकिन है कि इसी साल आंगन में चंदा झांकेगा, इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न ये खामोशी हो। तो जाते हुए साल में इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपके आंगन में ऊर्जा का, प्रसन्नता का, शुभकामना का चंद्रमा लहलाए, शांति आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी, इस हौसले के लिए, इस उम्मीद के लिए और इस मजबूत विश्वास के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।